दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का निधन आखिरी बार लाल सिंह चड्ढा में आए थे नजर। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार थे। परिवार के मुताबिक वो न्यूरोमस्कुलर बीमारी से जूझ रहे थे। इससे उन्हें बोलने में परेशानी होती थी। अरुण बाली की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें कुछ महीनों के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया था। अरुण बाली के निधन की खबर आते ही उनके फैंस से लेकर बॉलीवुड सितारे शोक में डूब गए हैं। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उनको लेकर पोस्ट कर रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अरुण बाली इंडस्ट्री के मंझे हुए कलाकार थे। आखिरी बार एक्टर आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में दिखे थे। फिल्म में वो ट्रेन में बूढ़े व्यक्ति के रोल में दिखे थे। अरुण बाली ने थ्री इडियट्स, केदारनाथ, पानीपत, हेराम, दंड नायक, रेडी, जमीन, पुलिस वाला गुंडा, फूल और अंगारे और राम जाने कितनी फिल्मों में काम किया है। और इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरियल्स में भी दमदार रोल निभाया था। अरुण बाली ने टीवी में भी अपने अलग अलग किरदारों से खूब नाम कमाए। उन्होंने नीम का पेड़, दस्तूर, चाणक्य, देख भाई देख, द ग्रेट मराठा, शक्तिमान, स्वाभिमान, देश में निकला होगा चांद, कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन, वो रहने वाली महलों की और देवों के देव महादेव जैसे मशहूर और पॉपुलर टीवी सीरियलों में काम किया था। उन्होंने 1991 की पीरियड ड्रामा चाणक्य में राजा पोरस की भूमिका निभाकर काफी लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने न केवल हिंदी फिल्मों में काम किया बल्कि तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में भी अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी थी। एक ओर जहां अरुण अपनी रौबदार आवाज से किरदार में जान डाल देते थे तो दूसरी ओर अपनी मुस्कान से दिल जीत लेते थे। अरुण के गुजर जाने से सेलेब्स और फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें याद कर रहे हैं। तो अरुण बाली जी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए।